नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भारत और श्रीलंका के बीच कल से नागपुर में दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम जीतते जीतते रह गई थी। दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम से बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद है। इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे क्रिकेट एक्सपर्ट और सहयोगी विक्रम सिंह। विक्रम जी, बताइए, कल से जो दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है उसमें भारतीय टीम को आप किस स्थिति में देखते हैं? भारत की जो स्थिति थी, पहले चार दिन लगभग श्रीलंका ने भारत के ऊपर हावी एकदम बन के रहा था, चाहे वो बल्लेबाजी में कहें या गेंदबाजी में। लेकिन पांचवें दिन जिस तरह से भारतीय टीम ने वापसी की, खासकर विराट कोहली की तारीफ करनी होगी, जो कि पिच एकदम माकूल नहीं थी उनकी बैटिंग, फिर भी उन्होंने बेहतरीन शतक लगाया। और उसके बाद लेकिन जो बॉलिंग अटैक देखने को मिला वो काफ़ी शानदार रहा। भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी, आपके दोनों ही ओपनर गेंदबाजों ने भारतीय टीम को तुरंत और जल्दी विकेट निकाल के दिए। और भुवनेश्वर कुमार तो मैन ऑफ द मैच भी बने, और जो उनकी स्विंग बॉलें थी वो कहीं ना कहीं श्रीलंकाई बल्लेबाजों को परेशान करती रही। इसी पर आप एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि कल के मैच में भुवनेश्वर कुमार अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि आज उनकी शादी है, तो क्या भारत को भुवनेश्वर कुमार की कमी खलेगी? बिल्कुल कमी खलेगी, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार इनफॉर्म गेंदबाज हैं और जब से उन्होंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई है और स्विंग पे उनका कंट्रोल काफ़ी बड़ा है और वो विकेट टेकिंग बॉलर बन चुके हैं, और विकेट भी ऐसे समय लेते हैं जब वो शुरुआत में गेंदबाजी कर रहे होते हैं, तो उससे भारतीय टीम को एज मिल रहा है कि वो शुरुआत में विकेट गिराने के बाद टीम पे हावी हो पा रही है। जहां आपने देखा था कि पिछले कोलकाता की विकेट पेसरों को मदद कर रही थी, और जो नागपुर की विकेट है जिसके उम्मीद लगाई जा रही है कि भारत इस मैच में तीन स्पिनर खिलाएगा, वहां पर स्पिनरों को बहुत मदद मिलने की उम्मीद है। क्या इससे आपको लगता है कि कुलदीप यादव को कल टीम में लिया जाएगा और भारतीय टीम श्रीलंका को इस मैच में ठीक से डोमिनेट कर पाएगी? देखिए, दोनों ही एशियन टीमें हैं, ऐसे में जो स्पिन गेंदबाजी है उसको लेके कहीं ना कहीं हो सकता है कुलदीप यादव टीम में जगह बना लें, क्योंकि एक तो नए गेंदबाज हैं, उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। और जो अगर आप पिछले वनडे मैचों देखेंगे तो कुलदीप यादव ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा था, ऐसे में खिलाया जा सकता है। लेकिन दोनों ही टीमें स्पिन को काफ़ी अच्छा खेलती हैं, उनकी टीम में चंडीमाल और एंजेलो मैथ्यू की बात करें तो स्पिन को काफ़ी अच्छा खेलते हैं। ऐसे में स्पिनर से ज़्यादा जो होगा वो मनोबल का खेल होगा कि कौन कितना ज़्यादा मनोबल से जीतता है और जल्दी विकेट या रन बनाता है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, श्रीलंका की टीम ने जो प्रदर्शन किया था उसमें सबसे अहम योगदान अकमल का था, जिन्होंने दोनों ही पारियों में भारतीय बल्लेबाजों को दस्तानूस कर दिया था। क्या आप इस विकेट पर भी उम्मीद कर रहे हैं कि वो भारत के बल्लेबाजों को परेशान करेंगे? देखिए, हमेशा जो श्रीलंका को कहें तो वो भारतीय टीम के लिए हमेशा जब भी कोई टूर पर आती है तो एक नया, कहते हैं कि करिश्मा लेके आती है। आपने अजंटा मेंडिस को देखा होगा, जब पहले लेके आई थी वनडे में उन्होंने निस्ते नाबूद कर दिया था भारतीय टीम को। इस समय वही चीज़ लकमल कर रहे हैं, लकमल के बारे में भारतीय टीम को ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन अगर उनके आप गेंदबाजी को देखेंगे तो वो भाई ना कहीं भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर रही है। और दोनों ही इनिंग्स में वो विकेट टेकिंग रहे थे श्रीलंका के लिए, तो कहीं ना कहीं अब की बार रणनीति बन चुकी होगी। जो ये तीन दिन का गैप मिला है उसमें कहीं ना कहीं लकमल को कैसे खेलना है इसकी रणनीति पूरी उतर चुकी होगी, क्योंकि आज के टेक्नोलॉजी युग में हर एक गेंदबाज कहाँ पे गेंद कर रहा है तो वो पूरी टेक्नोलॉजी। एक चीज़ और कि भारत की तरफ से शिखर धवन को भी आराम दिया गया है, शिखर धवन की जगह उम्मीद की जा रही है कि मुरली विजय टीम में होंगे। क्यों, आप क्या देखते हैं कि मुरली विजय से ओपनिंग कराई जाएगी या रोहित शर्मा को टीम में खिलाया जाएगा और उन्हें प्लेइंग 11 मौका देकर भारतीय टीम एक एक्सपेरिमेंट करना चाहेगा? देखिए, जहां तक है, अगर मुरली विजय टीम में खेलते हैं तो वो ओपनिंग ही करेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा का जो टेस्ट मैच में रिकॉर्ड रहा है या उनके आप अगर बल्लेबाजी पे निगाह डालेंगे तो बॉलें आराम से खेलते हैं। और मुरली विजय आज तक कभी भी मिडल ऑर्डर में नहीं खेले हैं, एक तरह से वो ओपनिंग बल्लेबाजी माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मोर कम्फर्टेबल होंगे कि मुरली विजय के साथ ओपनिंग कराएं। और रोहित शर्मा बीच में अगर आप देखेंगे तो भारतीय टीम कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमज़ोर पड़ते नज़र आ रही है, क्योंकि जब हमारे पास एक समय था कि सौरव गांगुली, लक्ष्मण, ड्राइविड जैसे बीच में होते थे, अभी वैसा कोई खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि धोनी के जाने के बाद से वो स्पेस खाली है कि कोई संभाल पाए। अजिंक्य रहाणे का पिछले मैच में दोनों ही पारियों में वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहे थे, इस बारे में मतलब एक अजिंक्य रहाणे जो हमारा पिछला एक साल पूरा जो होम सीजन आया है उसमें अजिंक्य रहाणे ने काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया है, लेकिन पिछले टेस्ट में वो दोनों ही पारियों में कोई कमाल नहीं कर पाए, दूसरी पारी में तो वो जीरो पर आउट हो गए, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय टीम को मध्य क्रम में दो लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, एक तो चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे। चेतेश्वर पुजारा फॉर्म में है, उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी भी की और शतक भी लगाए, लेकिन अजिंक्य रहाणे कहीं ना कहीं इसी को कहते हैं कि टेम्परामेंट का, कहीं ना कहीं टीम से इन होते हैं आउट, फिर आउट होते हैं,
इन आउट के चक्कर में कहीं ना कहीं वो अपने मनोबल को भी तक इतना शांत नहीं कर पाए कि वो बेहतर खेल पाए, जबकि वनडे में उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा था। तो हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे अपने दर्शकों से, उस पर भी ज़्यादा राय लेंगे। मैं जो अपनी टीम सेलेक्ट कर रहा हूँ कल के मैच में, जो प्रेडिक्शन हमारी हो सकती है वो ये होगी कि मुरली विजय और केएल राहुल ओपनिंग करेंगे, चेतेश्वर पुजारा वन डाउन पर आएंगे, सेकेंड डाउन पर कप्तान विराट कोहली आएंगे, पाँचवें नंबर पर आपके सामने होंगे अजिंक्य रहाणे, वहीं छठे नंबर पर अश्विन, वहीं सातवें नंबर पर रिद्धिमान शाह और आठवें नंबर पर होंगे रविंद्र जडेजा, नवें नंबर पर होंगे कुलदीप यादव, दसवें पर मोहम्मद शमी और ग्यारहवें पर उमेश यादव। क्या आप इस टीम से सहमत हैं? देखिए प्लेइंग 11 मोस्ट प्रॉबली यही होना चाहिए, क्योंकि इस समय की सबसे कैप्टन के लिए बेस्ट अवेलेबल टीम जिसको कहते हैं वो यही है, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में कुलदीप यादव स्पिनर पिच होनी चाहिए नागपुर की, और कुलदीप यादव की टीम में एंट्री हो सकती है, और केएल राहुल और जो अगर हम मुरली विजय अगर टीम में खेलते हैं तो मुरली विजय जहाँ तक है ओपनिंग करेंगे, क्योंकि काफ़ी कम्फर्टेबल रहते हैं, एक सदी हुई शुरुआत देने के लिए जाने जाते हैं, तो इसलिए मोस्ट प्रॉबली टीम यही होनी चाहिए। तो ये थी हमारी डेली डायरी की कल के मैच पर एक छोटी सी प्रेडिक्शन, और उम्मीद करते हैं कि कल भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी और भारत को एक इस श्रृंखला में 1-0 की बढ़त दिलाकर इस श्रृंखला में आगे बढ़ेगी। देखते रहिए डेली डायरी न्यूज़।